इज हेयर एट लोखंडवाला एंड यू नो व्हाट, आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है बिकॉज मैं टीवी इंडस्ट्री के दो ऐसे एक्टर से मिलने वाली हूँ जो काफ़ी टाइम से है इस इंडस्ट्री में और उनको काफ़ी सारी नॉलेज है. बॉम्बे का स्ट्रगलिंग हब है ये, मतलब यहाँ के सारे एक्टर्स यही रहते हैं अंधेरी लोखंड वाला और वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ निर्माण भी रहता है. अच्छा थोड़ा सा घर दिखा दो मुझे स्टूडियो पीएस को. बहुत ही खूबसूरत घर है नमन का. ये मेरा किचन है और किचन के लेफ्ट जाते दो मेरा खुफिया रूम है जो वो अंदर छुपा हुआ है. दिस इज माय लिविंग एरिया. अभी एक चीज मुझे पता चली पहली बार ये बता दिया बिकॉज मेरे साथ ना मेरे पड़ोसी भी आया पुच्चू सिंह. तो पुच्चू सिंह आया हुआ है क्या? बदतमीज शैतान सब खुराफात बच्चा है वो. चीजों को ध्यान रखना होगा नवीन, कहीं कुछ गायब ना हो जाए यहाँ से. अपनी आदत है उसको. बॉम्बे में गार्डन्स होना पॉसिबल है तो हमने अपने छोटे से जो जगह थी उसी को गार्डन बना दिया है. यहाँ निवान के बचपन के कुछ वो है बगल में नमन हम दोनों बॉम्बे के गर्मी का मजा ले रहे हैं बाहर. वाओ. सो ये थर्ड फ्लोर से ये आपको व्यू यहाँ पे जब मिलता है तो सारी थकावट शूटिंग की सब कुछ खत्म होती है या आप और ऊपर वाले माले पे चले जाते हो? अरे इट्स टू हैव अ हाउस लाइक दिस इन बॉम्बे जहाँ इतना लाइट है, इतना ओपन स्पेस है. इट्स डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत घर है इसका. और उसने और इसकी वाइफ नेहा ने मिलकर के जो डेकोरेट किया है, मैं मतलब हमेशा जब भी मौका मिलता था लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता. अभी देखेंगे आप ये भी देखिए ये वॉल हैंगिंग्स हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया. चलो तो अभी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ दो महान एक्टर्स के साथ टीवी इंडस्ट्री के, तो मैं कुछ कुछ बातें करती हूँ और तब तक मैं थोड़ा घर घूम कर आती हूँ. आप देखते रहो. मल्होत्रा साहब गए हुए वो कल्की के साथ डेट पे गए हैं जहाँ लड़कियाँ होती है. पुच्चू आने वाला है तो हम पुच्चू के इंतजार में थोड़ा चाय कॉफी थोड़ा पीते हैं. अरे काम करना है मेरे लिए, कॉफी बना देना यार, सर में दर्द हो रहा है. बना रहे हो आटा बना रहे हो कुछ सब्जी भी बना देना. अरे मेरा फोन आ गया मम्मा का, मैं एक मिनट फोन अटेंड करके आता हूँ आपके पास. अरे सुनो यार पुच्चू. अरे कहाँ जा रहे हो पुच्चू?